बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं जनाब बड़ी ही मज़े की चीज़, यानी कि लाहौरी गजरेला बनाएंगे आज हम। तो किस तरह बनाएंगे और किन इंग्रेडिएंट से बनाएंगे? बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत मज़े का ये बनता है। आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें और रेसिपी को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो देखकर इसको फॉलो ज़रूर करें, इसको ट्राई ज़रूर करें और सब अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनों के साथ शेयर करें। और लाइक तो फिर बनता है, ज़रूर लाइक दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है ये तकरीबन 2.5 लीटर दूध लिया है हमने, और हमने ये 4 टेबल स्पून चावल ली हैं। इसको हमने भिगो दिया था 1-1.5 घंटा पहले से ताकि ये अच्छे से इसमें भीग जाएं। और ये गाजर ली थी हमने 1/2 kg। इसको धोकर खुश करके छील कर काट कर हमने ये ग्रेट लिया है। तो ये एक बाउल मैंने उसमें से ले लिए। थोड़ी सी गाजर जो है वो ये देखिए 1/2 kg में से ये मैंने बचा भी लिए क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लग रही थी। अगर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि ये कम है तो मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मुझे तो इतनी ही गाजर सही लग रही है और मैं कम गाजर इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि फिर गजरेले का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। ये हमने 4-5 इलायची ले लिए, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है, बिल्कुल बारीक दाने नहीं किए हैं। इसके अलावा हम इसमें क्रीम या मलाई भी यूज़ करेंगे और चीनी कितनी यूज़ करेंगे वो जब हम ऐड करेंगे तो हम आपको बताएंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम दूध को उबालने के लिए रख देते हैं। हमने बड़ा बर्तन लेना है, बड़ा पतीला या बड़ी देगची या इस टाइप की कोई, आप बड़ी खुली कढ़ाई भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें दूध ऐड करते हैं। अब हमने दूध को उबाल आने तक पकाना है, फिर हम इसमें गाजरें और चावल ऐड करेंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा सा ये उबाल आ गया। अब हमने इसमें ये गाजर ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा हम इसे चला देंगे। ये अब हम इसमें चावल भी ऐड करेंगे। चावल भी ऐड कर दिए। अब हम इसमें ये इलायची कुटी हुई ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें चीनी बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे ताकि गाजर और चावल जो है वो अच्छे से इसमें गल जाए। साथ ही अगर हम चीनी ऐड कर देते हैं किसी भी चीज़ में तो ये जो गाजर और चावल हैं ये अच्छी तरह से गलेंगे नहीं और मिक्स नहीं होंगे। तो हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये गाजर और चावल अच्छी तरह से इसमें गल के मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो जब तक के लिए इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ये अच्छी तरह से पक जाए। देखिए अब हम देखते हैं कि गजरेला जो है वो हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखें, ये इतना हमने पकाया है कि माशाल्लाह से ये देखें दूध कितना कम हो गया है। और ये देखें ये गाजर और जो चावल है ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल गल गए, ये देखें। अगर हम इसमें पहले ही चीनी डाल देते तो ये कभी भी हमें इस तरह से, ये गाजर भी गल गई है, ये देखिए, ये देखिए गाजर भी बिल्कुल अच्छे से गल गई है। और अब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है इस स्टेज पर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 कप चीनी ली है, अभी हम इतनी ऐड करते हैं और फिर थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट करूँगी, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। मैं वैसे चीनी जो है सॉरी थोड़ा कम ही रखती हूँ, शुगर की पेशेंट हूँ इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि मीठा कम रहे, लेकिन आप लोग अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा चीनी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे पहले, और साथ ही अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें ये क्रीम ऐड करनी है। ये 2 टेबलस्पून घर की बलाई थी थोड़ी सी रखी हुई, और हाफ पैकेट मैंने पैकेट वाली क्रीम ली है, तो ये मैं सारी इसमें ऐड कर दूंगी। अब पहले मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखूंगी कि इसमें जो है वो मीठा और ज़्यादा हमें चाहिए या नहीं, अगर चाहिए होगा तो थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी गजरेला बनाते बनाते मैं अंदर गई, न्यूज़ सुनी, तो एक न्यूज़ बड़ी मुझे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ कि लता मंगेशकर बहुत ही जो अच्छी गुलूकारा भी थी और बहुत नाइस पर्सनैलिटी, मुझे बहुत पसंद थी और मैं उनकी फ़ैन थी, मुझे बहुत दुख हुआ है। और बस अल्लाह उनके पीछे जो रह गए उनको सबको सब्र दे। तो ये अब हम अभी टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये देखिए जी, हमारा लाहौरी गजरेला जो है वो बिल्कुल हो गया है तैयार। ये देखिए इतना हमने इसको गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा अगर हम इसको बहुत थिक कर देंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। अभी ठंडा होने पर ये और ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद, और इसमें ये हमने मेवे डालने हैं, पिस्ता, बादाम, किशमिश, नारियल, ये इस तरह से बारीक काट लेने हैं, ये देखिए। और इसके अंदर ही हमने इस तरह इसको डाल देना है। थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा हम इसमें चूड़ा भी ऐड करेंगे। मैं क्योड़ा ज़रा लेने चली गई थी। ये देखिए मैंने 2-3 ड्रॉप क्योड़े के लिए और 2-3 ड्रॉप पानी के लिए मिक्स करके अब इसमें यह इसकी बहुत अच्छी खुशबू लगती है। तो चले अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको डिश में निकालते हैं। तो ये गजरेला हमने कर लिया है डिश आउट, बहुत ही मज़े का बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको गार्निश कीजिए पिस्ते, बादाम, कटे हुए नारियल से, किशमिश, और फिर वक्त लगा दें तो इसका जो है वो खूबसूरती और दुबाला हो जाएगी। तो खाने में भी ये वाकई बहुत लाजवाब है। आप लोग इस रेसिपी से अगर गजरेला बनाना है तो इसी रेसिपी से बनाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा और मेहमानों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो जल्दी से कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मैंने शुरू में भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, और लाइक तो बनता है और शेयर करें सब अपनों के साथ। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी में फिर आपसे मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।